आज के इस वीडियो में हम मिलेंगे नीरज गायकवाड़ जी से। नीरज गायकवाड़ जी पुणे के खराड़ी में लास्ट माइल, मिड माइल और फर्स्ट माइल कार को डिलीवरी का काम करते हैं। उनके अलग अलग क्लाइंट्स के लिए वो लोड डिलीवर करके देते हैं। पर कमाल की बात यह कि उनके फ्लीट में सिर्फ ईवीज हैं और हाल ही में उन्होंने बजाज मैक्सिमा ईटेक थ्री व्हीलर को लिया है। अब क्योंकि ये ईवीज में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं तो इन्होंने डेफिनेटली एक बेस्ट ईवी को ही प्रेफर किया होगा। बट इनको क्या कुछ खास लगा जिससे इन्होंने बजाज की मैक्सिमा ईटेक 12 ले ली। अब क्योंकि गायकवाड़ जी के पास पूरे ईवीज का फ्लीट है, वो जनरली फ्लीट को मेरा बजाज ऐप से ही मैनेज कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं हम नीरज गायकवाड़ जी से उनकी ईवी स्टोरी। दोस्तों आज हम लोग जो है वो पुणे आए हुए थे और पुणे में हमें बजाज मैक्सिमा ईटेक 12 एक्सल कार्गो के एक कस्टमर मिले जिनके पास एक दो तीन गाड़ियाँ नहीं है, वो चौथी का भी ऑर्डर लगा चुके हैं। और हमें लगा कि यार इनसे पूछ लेते हैं कि ये क्या रीज़न है कि इतनी सारी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं बजाज मैक्सिमा। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक वाला गाड़ी खरीद लिया, तीन पहिया गाड़ी खरीदा तो इन्होंने बजाज वाला खरीद लिया। तो नीरज जी स्वागत है आपका। हेलो। तो पहले ना आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका बिजनेस क्या है, आपका नाम क्या है, किस एरिया में ऑपरेट करते हैं, फिर हम आपसे सारी बातें करेंगे। तो मेरा नाम नीरज गायकवाड़ है। अच्छा। मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी रन करता हूँ। बेसिकली ये कंपनी का नाम है UREV। ईवी से रिलेटेड ही कंपनी है। इट्स UREV, योर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो हम लॉजिस्टिक्स सेक्टर में पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। हम B2B कंपनीज़ के लिए लास्ट माइल डिलीवरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हम किसी कंपनीज़ के लिए फर्स्ट माइल, मिड माइल भी कवर कर रहे हैं। बेसिकली हम एक 3PL लॉजिस्टिक्स कंपनी, बट वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंस्टेड ऑफ द रेगुलर ICE व्हीकल्स। तो आपका पूरा जो फ्लीट है वो पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का, पूरा इलेक्ट्रिक ईवीज का ही है। शुरू किया ईवी से शुरू किया। करेक्ट। इट्स रियली इंप्रेसिव। तो आपने बजाज मैक्सिमा कितने दिन पहले लिया? पहला बजाज मैक्सिमा कब लिया इलेक्ट्रिक वाला? 3.5-4 महीने पहले। 4 महीने पहले लिया। उसके बाद में सक्सेशन में आपने और लिया? राइट। तो आपने कितना ले लिया अभी तक टोटल? अभी टोटल बजाज का जो फ्लीट है वो दैट इज करंटली 4 व्हीकल्स और एक बढ़ जाएगा। अभी आपका एक ऑर्डर इन प्रोसेस है, पाइपलाइन में है। करेक्ट। तो जस्ट एक क्वेश्चन की व्हाई बजाज? सो बेसिकली जैसे मैंने कहा, हम पिछले 2 साल से इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अलग अलग OEM से ऑलरेडी व्हीकल्स प्रोक्योर कर चुके हैं, लेकिन अभी ऐसे फर्स्ट टाइम हुआ है कि हम रिपीटिव ऑर्डर सिंगल OEM को ही दे रहे हैं। बिकॉज फिर इसमें अगर हम फैक्टर्स देखते हैं तो एक है रेंज, दूसरा है कंफर्ट। जैसे उनका कहना है कि बेसिकली ये जब गाड़ी चलाते हैं उनको लगता है ये कार चला रहे, तो द कंफर्ट लेवल इज लाइक नेक्स्ट लेवल पे ही है कंफर्ट। सो कंफर्ट इज़ वन थिंग, रेंज इज़ अदर थिंग। तीसरा है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जैसे कि आपका रेंज, आपका SOC, फिर आप जो ट्रिप है वो भी हो जाता है। ये ज़्यादातर गाड़ियों में है नहीं। दूसरी चीज़ है बजाज का डेंस नेटवर्क फॉर द सर्विस। पुराना प्लेयर होने के कारण उनका सर्विस बहुत लाइक प्रॉम्प्ट सर्विस जिसे हम कहते हैं, सो दैट इज़, क्योंकि ये लास्ट माइल डिलीवरी का सेगमेंट है, इसमें प्रॉम्प्ट सर्विस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो कि हम कहते हैं कि सर्विस ऑन टाइम या रिप्लेसमेंट, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें कमिट तो किए, लेकिन आज तक बंद तो कोई व्हीकल नहीं गिरा है। लेट्स सी। कार्गो डैक इज 6 फीट लॉन्ग। करेक्ट। तो आपको 6 फीट में आपका सारा वॉल्यूम है, जितने गुड्स है वो आ जाते हैं? हाँ, अभी हम वेरियस सेगमेंट्स में काम करते हैं। अभी ये जो व्हीकल हमने डिप्लॉय किया है ये ग्रॉसरी सेगमेंट के लिए, तो बेसिकली ये छोटे क्रेट्स में होता है, तो और ऑलमोस्ट इसका जो वेट होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट 250-300 kgs, तो ये तो आ जाता है। सो दैट इज़ नॉट वॉल्यूम का इशू नहीं आता। अच्छा, है वॉल्यूम का कभी इशू नहीं आता। लोग कहते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी है तो ग्रेट्स नेगोशिएट नहीं करेगा, फ्लाईओवर्स नहीं चढ़ेगा, घाट पर नहीं चढ़ेगा, तो आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस हुआ है? नहीं, ऐसे तो प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ है। मैंने जैसे कहा कि स्मूथ राइड है, और एक मैं ऐसे बताना चाहता हूँ कि बाकी जो व्हीकल्स है तो इसमें ये प्रॉब्लम होते थे। जैसे आपका ग्रॉसरीज है, बेसिकली आप ग्रॉसरीज डिलीवर करते हो, रिकॉम का अदर भी काम है। करेक्ट। तो आपके गुड्स डेलीगेट गुड्स है, मतलब उनको सेफ। राइट राइट राइट। ज़्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो क्या गाड़ी स्टेबल है? ऐसा तो नहीं कैरेट इधर रखा इधर आ गया, मतलब स्टेबल? नहीं, नहीं, गाड़ी प्रॉपर स्टेबल है, कोई इशू नहीं आता। सस्पेंशन भी बहुत अच्छे, मतलब ड्राइवर से तो यही फीडबैक मिला आपको है। ऐसा लगता है जैसे गाड़ी की जो बॉडी है वो मजबूत है, मतलब बहुत स्टेडी, बहुत ज़्यादा है, बहुत स्टेडी है। लाइट्स वगैरह हो गया, ड्राइवर का एक फीडबैक हो गया कि ड्राइवर ने कभी आके बताया हो कि यार ये गाड़ी में ये बहुत अच्छा नहीं है? तो वही, अगर ड्राइवर हमें अच्छा फीडबैक दे तभी हम रिपीटिव ऑर्डर डाल रहे हैं। तो फीडबैक तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, कैसे चार्ज करते हैं? चार्जिंग ईजी है? चार्जिंग बहुत इजी है, कोई इशू नहीं। हमने डेडिकेटेड पॉइंट्स लगा दिए हैं, नॉर्मल 16 एम्पियर प्लग्स जिस पे हम कर लेते हैं चार्जिंग, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब इजी होम चार्जिंग की तरह 16 एम्प का कोई भी सॉकेट पे चार्ज कर सकते हैं। ऑन बोर्ड है। अच्छा, मतलब पावर इज सफिशिएंट, स्पीड 40 का कम नहीं लगा कभी?
इज ओके नहीं फॉर सिटी इट इज इट इज प्रीटी प्रीटी हैप्पी प्रीटी हैप्पी एक सवाल मैं सभी से पूछता हूँ तो इज इट लाइक कि कोई अगर बजाज खरीदना चाहता है तो उसको भी ऑर्डर या रिकमेंड तो है डेफिनेटली हम करेंगे डेफिनेटली रिकमेंड द बजाज एंड वन रीजन व्हाई यू रिकमेंड द बजाज ओल्डेस्ट प्लेयर इन द मार्केट या ओल्डेस्ट प्लेयर देखो व्हाट आई से इज इन्होंने जो एंट्री है बहुत लेट की है बट जो प्रोडक्ट लाया दैट इज गुड सो यू आर हैप्पी ओवर या या डेफिनेटली मतलब बाकी लोग भी खरीद सकते हैं यस 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 सो अभी विश यू आल्सो अ मोर बजाज व्हीकल्स मोर ईवी व्हीकल्स मोर हैप्पी माइल्स यस यस एंड थैंक यू इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू थैंक यू